आज हम दीपक प्रमेय के बारे में जानना चाहते हैं। तो दीपक प्रमेय सूत्र याद रखने की बजाय हम आपको बिल्कुल नया तरीका बताने वाले हैं। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत ही अलग तरीके से दीपक प्रमेय अर्थात बाइनोमियल थ्योरम को समझाऊंगा। दीपक प्रमेय समझने के लिए सबसे पहले फैक्टरों को जानना आवश्यक है। फैक्टर ये नॉन फैक्टर फैक्टर हम जानना चाहते हैं। ये मैंने लिखा फैक्टर। अब फैक्टर के टू पार्ट्स होते हैं, इंक्रीजिंग मतलब वर्धमान जैसे कि एन का फैक्टर करना है, हमें किसका करना है एन का, काय में करना है इंक्रीजिंग में, तो इसका पहला फैक्टर होगा एन। सेकेंड फैक्टर होगा एन और एन प्लस वन। पहला फैक्टर क्या हुआ एन, दूसरे दो फैक्टर हो गए एन एन प्लस वन, और थर्ड फैक्टर हुआ इसका एन। एक एक इंक्रीज करते जाइए, ये हुआ एन प्लस टू, एन प्लस टू। ये सेकेंड फैक्टर, कितने फैक्टर हो गए तीन, वन टू थ्री। चौथा फैक्टर अगर हम लिखना चाहें और वो भी इंक्रीजिंग में, तो पहला एन, फिर एन प्लस वन, एन प्लस टू और एन प्लस थ्री। हम देखेंगे कितने फैक्टर हुआ, वन टू थ्री फोर। अगर हमें पांच फैक्टर करना है, कितने करना है पांच, तो पहला फैक्टर क्या हुआ एन, दूसरा क्या हुआ एन प्लस वन, तीसरा क्या हुआ एन प्लस टू, तीसरा और चौथा हुआ एन प्लस थ्री, और पांचवा हुआ एन प्लस फोर। तो चौथा फैक्टर एन प्लस फोर, तो पांचवा एक दो तीन चार पांच, तो पांचवा फैक्टर क्या हुआ। फिर से समझिएगा, हम फैक्टर्स करना चाहते हैं, ये फैक्टर्स हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको। तो फर्स्ट फैक्टर एन, सेकंड फैक्टर एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन सेकंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर एन एन प्लस वन एन प्लस टू, और आपका फोर्थ फैक्टर एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री, फिफ्थ फैक्टर एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री एन प्लस फोर। हम यहाँ अगर काउंट करें तो वन टू थ्री फोर फाइव फैक्टर हो गए। ये फैक्टर कौन से है, इंक्रीजिंग फैक्टर। अब हम डिक्रीजिंग फैक्टरों को भी जान लेना आवश्यक है। अब मैं इस तरह आपको डिक्रीजिंग फैक्टर के बारे में बताऊंगा। तो डिक्रीजिंग फैक्टर, डिक्रीजिंग फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं डिक्रीजिंग फैक्टर को ह्रासमान, ह्रासमान खंड,
फैक्टर को बोलते हैं खंड, खंड करना, फैक्टर करना। तो डिक्रीजिंग में अब मान लो मुझे एन के फैक्टर करना है, इसके करना है फैक्टर एन के, फैक्टर्स करना है। तो पहला फैक्टर मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं डिक्रीज क्रम में, पहला डिक्रीज क्रम में एक फैक्टर ये हुआ, दूसरा फैक्टर एन और एन माइनस वन हुआ, ये दो फैक्टर हो गए। यहां पर देखा था इंक्रीज हुआ, यहां पर क्या हुआ डिक्रीज हुआ। अब तीसरा फैक्टर करना है मान लो मुझे, तो पहला एन, सेकेंड एन माइनस वन और इसके बाद एन माइनस टू, कितने फैक्टर हुए वन टू थ्री, पर ये डिक्रीज में है। और चौथा फैक्टर आपका ये हुआ एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू और एन माइनस थ्री। और पांचवा फैक्टर हुआ आपका एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री और एन माइनस फोर। तो आपने देखा कि इधर वाले फैक्टर हैं वो इंक्रीजिंग है एन प्लस वन एन, ये फर्स्ट फैक्टर एन, सेकेंड एन 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 प्लस वन, थर्ड फैक्टर एन एन प्लस वन एन प्लस टू, फोर्थ फैक्टर एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री, फिफ्थ फैक्टर एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री एन प्लस फोर। फैक्टर को हम खंड भी कहते हैं, ये इंक्रीजिंग में हुआ। तो डिक्रीज में क्या होगा, पहला फैक्टर तो वही रहेगा एन, और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा एन एन माइनस वन, क्योंकि डिक्रीज करना है। थर्ड पेपर क्या, थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा एन पहला, दूसरा एन माइनस वन, थर्ड क्या हो गया एन माइनस टू। चार फैक्टर करना है एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री, ये चौथा फैक्टर डिक्रीज हो गया। पांचवा करना है एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर, तो ये आपका कौन सा फैक्टर हो गया, डिक्रीज फैक्टर हो गया। इस तरफ के इंक्रीज और इस तरफ के डिक्रीज। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मैं आपको इन फैक्टरों के द्वारा द्विपद प्रमेय की शुरुआत करूंगा। द्विपद प्रमेय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फैक्टर के द्वारा द्विपद प्रमेय बनाने जा रहा हूं, इसको हम पार्ट नंबर सेकंड कह रहे हैं।